नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं मोटो कार इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किया सोनेट के बारे में। और ये जो मॉडल आपके सामने खड़ा है वो है किया सोनेट GTX प्लस, जो कि GT लाइन का टॉप वेरिएंट है। ये आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मिल जाता है विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक। पर जब बात बजट की आती है तो क्या 15 लाख के बजट में ये कार आपके लिए बेस्ट है या नहीं, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको 2022 किया सोनेट GTX प्लस के प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन ऑप्शन, फीचर, सेफ्टी एंड कंफर्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज के समय में कॉम्पैक्ट SUV का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यदि आप एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक ऑटोमेटिक कार की बात करते हैं तो उसमें आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, वेन्यू और सोनेट, जिसमें आपको 7 DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और टॉर्क कन्वर्टर जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलते हैं। उसमें भी आप यदि आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ये एकमात्र गाड़ी है जिसमें आपको डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। इस वेरियंट की बात करें तो दोस्तों, किया सोनेट GTX प्लस आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन में अवेलेबल हो जाती है विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक बोथ। इन दोनों ही इंजन के पावर, टॉर्क और माइलेज आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो किया सोनेट GTX प्लस का एक्सोरूम प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू और सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो आप किया सोनेट की फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं। ये है किया का लोगो। इसके बोनट पे आपको डीप कर्व मिल जाते हैं जो इसके बोनट को एग्रेसिव लुक देते हैं। इसके फ्रंट में आपको टाइगर नोज ग्रिल मिल जाती है विद पियानो ब्लैक फिनिश और बीच में रेड इंसर्ट दिए गए हैं जो इसके लुक को एनहेंस करते हैं। इसके सराउंडेड में आपको क्रोम की बड़ी सी स्ट्रिप मिल जाती है जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यह है GT लाइन की बैजिंग। वहीं इसके हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको क्राउन ज्वेल LED हेडलाइट मिल जाती है विथ DRL जो इंडिकेटर का काम भी करते हैं। इस हेडलाइट में क्रोम गार्निश लगी हुई है जिसको आप एज ए एसेसरीज शोरूम से लगवा सकते हैं। और दोस्तों, ये हेडलाइट इस कार को काफ़ी वाइल्ड और मस्कुलर रोड प्रेजेंस प्रोवाइड कराती है। यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो यह है इसकी फॉग लाइट और यह है इसकी लोअर ग्रिल। अब क्योंकि ये GT लाइन है तो इसमें आपको हर जगह रेड इंसर्ट मिल जाते हैं जो इसके लुक को इनहेंस करते हैं। ये नीचे आप इसकी स्किड प्लेट देख सकते हैं। दोस्तों, इस कार की फ्रंट प्रोफाइल को आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं और कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें इस कार के फ्रंट प्रोफाइल को एक बोल्ड और यूनिक लुक प्रोवाइड कराती हैं। तो दोस्तों, ये थी डिटेल इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो आप इस कार की साइड प्रोफाइल देख सकते हैं और इस कार की डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखते हैं 16 इंचेस क्रिस्टल कट अलॉय व्हील जो इस कार की साइड प्रोफाइल को काफ़ी इनहेंस करते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो वो है 215/60R16, जिसके चारों साइड आपको बड़ी सी थिक क्लैडिंग मिल जाती है ब्लैक कलर में जो इसके SUV लुक को इनहेंस करती है। यहाँ पर आपको एक रेड लाइन मिल जाती है और ये हैं इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर बॉडी कलर के साथ। इस मॉडल में आपको क्रोम हैंडल मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर। इसका A पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में, B पिलर और C पिलर मैट ब्लैक में मिलते हैं। दोस्तों, इस मॉडल में आपको ये क्रोम क्लैडिंग मिलती है। वहीं सनरूफ की बात करें तो इसमें आपको डुअल टोन सिल्वर फिनिश में सनरूफ मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस कार में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थी इस कार की साइड प्रोफाइल की डिटेल। अब बात करते हैं इस कार की रियर प्रोफाइल की। तो आप इस कार का रियर प्रोफाइल देख सकते हैं और दोस्तों, पीछे से देखने में ये कार काफ़ी सुंदर लगती है। यह है इसका शार्क फिन एंटीना और यह है ब्रेक लाइट। इस कार में आपको डिफॉगर, वॉशर एंड वाइपर मिल जाते हैं जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। और दोस्तों, ये दोनों LED लाइट एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं जो आपको
काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कराती हैं फ्रॉम द रियर साइड। वहीं टेल लाइट की बात करें तो इस कार में आपको हर्ट बीट LED टेल लाइट मिल जाती है, जो इस कार को काफ़ी एग्रेसिव लुक प्रोवाइड कराती है। यह है सोनेट की बैजिंग और यह है GT लाइन की बैजिंग। ये है रेड कलर में रिफ्लेक्टर्स और इसके रियर बम्पर में आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ये है इसके फेक एग्जॉस्ट जो इसके लुक को इनहेंस करते हैं। तो दोस्तों ये थी डिटेल इस कार की रियर प्रोफाइल की। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो इसके बूट स्पेस को ओपन करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यह है इस कार का बूट स्पेस। यहाँ ऊपर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है और यह है इसका बूट स्पेस। इस कार में आपको 392 लीटर का सेगमेंट लीडिंग बूट स्पेस मिल जाता है। यह है इसका बूफर, यह है बूट लाइट, इसमें एक बूट मैट लगा हुआ है जिसको आप एज एसेसरीज शोरूम से लगवा सकते हैं। वहीं स्पेयर व्हील की बात करें तो इस कार में आपको 15 इंच का स्टील व्हील एज ए स्पेयर व्हील मिल जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं तो दोस्तों इस कार में आपको काफ़ी स्क्वायरिश सा बूट स्पेस मिल जाता है। तो यदि आप घूमना फिरना पसंद करते हैं तो ये कार आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो ये थी इसके बूट स्पेस की डिटेल। अब इसको बंद कर देते हैं। वहीं दोस्तों इस कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में आपको 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और सेंटर लॉकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो इस कार की सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की। तो यह है इस कार का फ्रंट डोर। दोस्तों GT लाइन में आपको ब्लैक कलर का फ्रंट डोर मिलता है, आप देख सकते हैं। यह है लॉक अनलॉक बटन सिल्वर फिनिश के साथ और यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल बटन मिल जाते हैं, ORVM, लॉक अनलॉक और चारों डोर के। और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच के साथ रेड स्टिचिंग मिल जाती है। दोस्तों इस कार में आपको बॉस का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। यह है बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर और यह है अम्ब्रेला होल्डर। दोस्तों यह है इस कार का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, जो ब्लैक कलर में आता है और काफ़ी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कराता है। वहीं सीट्स की बात करें तो इसमें आपको फैब्रिक प्लस लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। दोस्तों इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इन दोनों ही सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और ड्राइवर सीट की हाइट को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लाइट हाइट एडजस्टर के बटन मिल जाते हैं। दोस्तों फिर से आप इसका फ्रंट डैशबोर्ड देख सकते हैं। आइए अब इसके अंदर बैठते हैं और डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं किया सोनेट GTX प्लस के अंदर और यह है इसका फ्रंट डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं, जो आता है ब्लैक कलर के साथ। यह है इसका स्टेयरिंग व्हील डी कट शेप के साथ और यहाँ पर आपको GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है। इधर आपको मीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं। यह है हॉर्न और इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल और MID डिस्प्ले के कंट्रोल मिल जाते हैं। यह है वाइपर के कंट्रोल और यह है हेडलाइट के कंट्रोल। दोस्तों इस कार का स्टीयरिंग काफ़ी प्रीमियम फील देता है और ग्रिप में भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिल जाती है, जो इसके लुक को काफ़ी इनहेंस करती है। वहीं बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। आइए इसको ऑन करते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाता है और राइट साइड में फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज मिल जाता है। सेंटर में आपको स्पीड मिल जाती है और बीच में मिल जाती है एक MID डिस्प्ले, जिसमें आप मल्टी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है और दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो दोस्तों ये थी डिटेल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग व्हील की। अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो दोस्तों इसके सेंटर में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके सेटअप, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, मैप और यहाँ से वॉल्यूम प्लस और माइनस कर सकते हैं।
जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। वहीं दोस्तों इसके टच रेस्पॉन्स की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। वहीं इसके विजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों मैं इसको धूप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी विजिबिलिटी पॉलीथीन के अंदर से भी काफ़ी अच्छी आ रही है। ये इसकी कुछ सेटिंग है जिनको आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसका रेस्पॉन्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कार में आपको बॉस का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जिससे आपको काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी की साउंड मिल जाती है जिसको आप अपने मूड के हिसाब से सुन सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों किया सोनेट ही एक ऐसी गाड़ी थी जो इस सेगमेंट में सबसे पहले बॉस का म्यूजिक सिस्टम लेकर आई थी। ये है हजार्ड लाइट का बटन। और दोस्तों इस कार में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जिसके बटन आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। यह है फैन स्पीड, एसी। और दोस्तों इस कार में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम फीचर है और आपको हमेशा महंगी कार में ही मिलता है। इस कार में आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है जिससे आप अपने फ़ोन को डायरेक्ट यहाँ रख कर चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों यह है इसका 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये कार आपको पेट्रोल में 7-स्पीड DCT और डीजल में ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर में भी मिल जाती है। दोस्तों इस कार में आपको कुछ ऐसी की देखने को मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। ये है कप होल्डर और ब्रेक हैंडल। और ये है इसका आर्मरेस्ट जिसमें आपको कुछ स्पेस मिल जाता है अपने सामान को रखने के लिए। आप इसके सेंटर कंसोल को एक बार फिर देख सकते हैं। वहीं ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है। दोस्तों इस कार में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ मिल जाता है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये उनको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों ये थी डिटेल फ्रंट डैशबोर्ड की। अब बात करते हैं इसके रियर सीट की। यह है इस कार का रियर गेट, आप देख सकते हैं। यह है इसका लॉक अनलॉक बटन सिल्वर फिनिश के साथ। और इस कार में आपको सनसेट मिल जाता है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यह है पावर विंडो बटन, बोतल होल्डर और बोस के स्पीकर। और यह है इसकी रियर सीट जिसके सेंटर में आपको आर्म रेस्ट विद कप होल्डर मिल जाता है। रियर सीट में भी आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। दोस्तों स्पेस की बात करें तो हालांकि ये कॉम्पैक्ट SUV है उसके बाद भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा लेग रूम, नी रूम और हेड रूम मिल जाता है। तो मेरी हाइट है 5'8" और उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा लेग रूम और थाई सपोर्ट मिल रहा है। यह है इस कार के रियर AC वेंट। और यह है चार्जिंग पोर्ट। यह है रीडिंग लैंप येलो कलर में। और यह है इसके ग्रैब हैंडल। इस कार के रियर से आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट डैशबोर्ड दिखाई देता है। दोस्तों अगर स्पेस एंड कंफर्ट की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग इस कार के साइज के हिसाब से इस कार में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस एंड कंफर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल किया सोनेट GTX प्लस की। कंक्लूजन की बात करें तो यदि आपका बजट 15 लाख के आसपास है और आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV लेना चाहते हैं जो दिखने में काफ़ी बोल्ड और अट्रैक्टिव हो, जिसमें सभी एडवांस फीचर हों, जिसकी रोड प्रेजेंस, इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज भी अच्छी हो और जो आपको प्रीमियम फील कराए, तो किया सोनेट GTX प्लस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। दोस्तों यदि आपकी कार बाइंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।